नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश 11 मई सोमवार 10 बजे राजस्थान की खास खबरें। भरतपुर में लॉकडाउन के दौरान खुलेआम अवैध शराब बेचने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दो युवक शराब बेचने वालों का विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। वायरल हो रहा वीडियो डींग तहसील के गाँव कुचावटी का बताया जा रहा है। वीडियो में दो युवक शराब बेचने वालों से शराब से भरा बोरा छीनकर शराब को सड़क पर फैलाकर नष्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों युवक रोजाना सड़क पर दौड़ लगाने आते हैं। इसी दौरान खुलेआम शराब बिक्री होते देख इन्होंने विरोध जताते हुए शराब को नष्ट कर दिया। 5 दिन पहले मुंबई से पाली आए युवक की आज संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक 5 दिन पहले ही पाली के मंडिया गांव में मुंबई से आया था। घर पर खाना खाने के बाद चक्कर आने पर वह जमीन पर गिर गया था, जिसे परिजनों ने अचेत अवस्था में बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मथुरा जिले के रारा बॉर्डर से बिना रजिस्ट्रेशन के जा रहे प्रवासी मजदूरों को यूपी पुलिस के रोकने से चल रही तनातनी रविवार को विवाद में बदल गई। यूपी की जाजमपट्टी चौकी की ओर से लगी बैरिकेड्स को उद्योग नगर पुलिस ने हटाकर फेंकने से सुबह के समय दोनों जिलों की पुलिस आमने सामने हो गई। विवाद बढ़ने पर यूपी पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और उद्योग नगर थाना अधिकारी के व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई। यूपी पुलिस इस कदर नाराज थी कि एएसपी परमार सिंह व सीओ शहर हवा सिंह के सामने उन्होंने नाराजगी जताते हुए बात करने से इनकार कर दिया। एसपी हैदर अली जैदी ने मामले में जांच कर आवश्यक कार्रवाई कर भरोसा यूपी पुलिस को दिया है। वार्ता में भरतपुर डीएम नथमल डिडेल, मथुरा के सरबतराम मिश्र, एसएसपी मथुरा डॉक्टर गौरव समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। बीकानेर जिले के लूनकरनसर तहसील क्षेत्र में रविवार को कई गांवों में कहीं हल्की तो कहीं अच्छी बारिश हुई। बारिश के साथ चने व इससे बड़े आकार के ओले गिरे। लूनकरनसर समेत आसपास के ग्राम कालवा, सरोंजा व नहरी क्षेत्र के चक्कों में करीब आधा घंटे तक बारिश हुई। इस दौरान चने व नींबू के आकार के ओले गिरने से एक बारगी जमीन पर सफेद चादर बिछ गई। हल्की ओलावृष्टि से इलाके में नुकसान की कोई खबर नहीं है, बल्कि हेमेरा गांव सहित आसपास के क्षेत्र में रविवार दोपहर 4 बजे के बाद अंदर से कई पेड़ गिर गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल सांसदों और विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। पाली सांसद पीपी चौधरी ने वीसी में कहा कि विदेशों में फंसे लोगों को लेकर केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। इसमें 14,800 विद्यार्थियों को पहले फेज में लाने की व्यवस्था की है। विद्यार्थियों को विदेश से लाने का सेकंड फेज 15 मई से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर्स को सांसद विधायकों को हर रोज नई एडवाइजरी भेजी जाए। वही जो भी निर्णय लिए जाए वह निर्णय फास्ट होने चाहिए। ऑनलाइन व ऑफलाइन पास का सिस्टम भी सरलीकृत होना चाहिए। उन्होंने अपनी बात से श्रमिक व मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाने की भी बात कही। सांसद पीपी चौधरी ने मुख्यमंत्री से कहा कि आप भी अपनी बात प्रधानमंत्री तक रखें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुस्कुराते हुए पीपी चौधरी से कहा कि आपकी बात प्रधानमंत्री तक पहुंच जाएगी। कोरोना वायरस के तहत प्रशासन द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है, जिसका असर जयपुर डेयरी पर भी नजर आने लगा है। लॉकडाउन के बाद से ही जयपुर डेयरी की दूध सप्लाई 2 लाख लीटर तक घट गई है। घटे दूध का डेयरी आउटसोर्स के जरिए घी और पाउडर बनाने का कार्य भी कर रहा है। दोनों के रेट मार्केट में गिरने की वजह से डेयरी को हर महीने करोड़ों रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। दूध की सप्लाई सुबह शाम शुरू कर दे तो कुछ हद तक इस घाटे को कवर भी किया जा सकता है। डेयरी अभी परकोटे में शाम और बाकी जगह सुबह दूध सप्लाई कर रही है। लॉकडाउन से पहले डेयरी के पास करीब 16 लाख लीटर दूध समितियों से आ रहे थे, जिसमें से शहर में 8.5 लाख लीटर सप्लाई किया जा रहा था। अजमेर में रविवार को जिले से एक स्पेशल ट्रेन रवाना हुई, जिसमें अजमेर के दरगाह क्षेत्र में फंसे हुए जायरीनों और श्रमिकों को उनके घर भेजा गया। यहां से जाने वाले सभी यात्रियों को प्रशासन ने तालियां बजाकर विदा किया। इस मौके पर जिला प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा, जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा, पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप सहित आला अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने जायरीन और श्रमिकों को तालियां बजाकर मनोबल बढ़ाते हुए अजमेर से रवाना किया। जायरीनों और श्रमिकों के लिए प्रशासन द्वारा खाने का भी पुख्ता बंदोबस्त किया गया था, जिससे रास्ते में किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.